मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों के मदद से अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊं पैदल। यार ये पब्लिक भी ना। तो हेलो, क्या हो रहा है आगे? अरे कोई लड़की के वास्ते यहाँ जाम लगा हुआ है। तो ऑलरेडी लेट हूँ, ऊपर से चढ़ लो कहीं भी डेरा जमा लो इनसे। एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो रहा है यार, ट्रैफिक जाम कर रखा, तमाशा हो रहा है यहाँ पे? क्या बात क्या है? ये लोग कब से मुझे छेड़े जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। यू आर अट्रैक्टिंग ट्रबल। ये इस तरह के कपड़े पहन के आप रोड पे निकलेंगी, लड़के बदतमीजी करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी। What? जी चलिए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? I didn't expect this from you. What are you talking about? You listen to me. तमाशा मत बनाइए यहाँ पे छोटी सी बात का। हो गया ना, लड़कों ने आप पे कमेंट किया, आपने चार गाली सुनाई, बस बहुत हो गया। चलिए अपना काम करिए, सबको अपना काम करने दीजिए। ट्रैफिक जाम हो गया आपकी वजह से। मुझे लगा था आप इन सबसे अलग होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि आप भी इसी भीड़ का एक हिस्सा हैं। सिर्फ पहनावे में थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन सोच इन्हीं लोगों की तरह घटिया है आपकी। मुझे लगा था आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप तो मेरे सपोर्ट से आप पार्लियामेंट नहीं चली जाएंगी मैडम। सपोर्ट चाहिए और क्यों सपोर्ट करूं मैं आपका? हाँ, आप ही को बनना ना मॉडर्न। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, मिलाइए कंधा। तो ये सब झेलने और सुनने की आदत भी डालिए, समझी? सो कॉल्ड मॉडर्न एंड एडवांस लेडी, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सपोर्ट। लीव द रोड, चलिए चलिए, निकले चलिए भाई साहब, चलिए चलिए। अरे चलो यार, अरे ये काय कर रही है मोड़ी? मना किया था ना छोड़े से, ये तो कोई भी कर लेगा। चल तू चल के आराम कर ले। दादी जरा सा है, अभी हो जाएगा। अरे दादी की बच्ची, ऐसों में थकान दिखेगी तुम्हारे चेहरे पे सामने। और तू शर्म नहीं आ रही है, घोड़ी जैसी हो गई। अरे बहन का ब्याह है और बहन काम कर रही है और तू सिंगार करने में लगी है। हाँ तो इकलौती साली जो है हम, हमारा सुंदर दिखना तो बहुत जरूरी है। सबकी नजर ना हमारे पे ही होनी चाहिए, क्यों दादी? अच्छा ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले ये लेप चेहरा पे लगा के आराम कर ले थोड़ी देर। दादी अभी नहीं। अरे बादाम पिस्ता गुलाब की पंखुड़ी और चंदन मिला के हम खुदा ही बना के लाए हैं लेप। एक को चेहरे पे लगाओगी तो एकदम निखर जाओगे तुम्हारे चेहरों। लो जी, यहाँ बादाम खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा और चेहरे पे लगाए जाने की चिरौरी हो रही है। वाह जी, लगाओ, सब लोग लगाओ। दादी हम भी लगाएंगे वो दीदी वाला लेप। काय को लगाएगी तू लेप? चल लड्डू बना। मौसी रहने दो तुम, हम कर लेंगे। उर्मी बेटा थोड़ा सा लेप लगाकर थोड़ी देर सो ले।
मम्मी सोएंगी तो हम बिल्कुल भी नहीं। त्रिशा आने वाली है, अभी हम सब मिलके गप्पे मारेंगे बस। अच्छा ठीक है, ना सो पर जरा सा लगा के आराम कर ले। आजा। अच्छा हम खुदा ही लगाए दे। दादी आजा। आना। क्या है भाई साहब, ठीक से नहीं चल सकते हो? ठीक से चला करो। त्रिशा दीदी, त्रिशा बदमाश का नाम लिया और बदमाश हाजिर। कहाँ रह गई थी मैडम, कहाँ रह गई थी मेरी झांसी की रानी, कब से तुझे वेट कर रहे थे, कहाँ रह गई थी? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू त्रिशा दीदी। चुटकी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। भले से आ गई बेटा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना। बस बस बस, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। नमस्ते दादी। खुश रहो। भाभी नमस्ते। प्रणाम। क्या हुआ मेरी मोड़ी को, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बिटिया क्या बात है, किसी से लड़के आई है के? क्या बताऊं पापा, बीच रास्ते में मेरा ऑटो खराब हो गया, दूसरा ऑटो लेने जा रही थी, पीछे से तीन लड़के बाइक पे आए और इतनी गंदी लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे थे, मैं क्या बताऊं। और यहाँ के लोग भी कैसे, लड़की को बीच रास्ते में कोई छेड़ रहा है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और फिर उस पूरी भीड़ में एक ढंग का लड़का दिखने में मुझे लगा पढ़ा लिखा होगा, मेरी साइड लेगा, लेकिन नहीं, मुझे ही डांट रहा है कि मैं तमाशा क्रिएट कर रही हूँ बीच रास्ते में। क्या? हाँ, और मुझसे कहता है मेरे कपड़े ठीक नहीं है। मैडम यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स, ऐसे कह रहा था मुझे। ऐसे लोग ना अपने घर की बहू बेटियों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, पता नहीं कैसी औरतें होंगी इसके घर की जो इसे झेलती होंगी, इसकी इसकी बीवी से कैसे बर्दाश्त करती होगी। ऐसे आदमी के साथ तो कोई भी औरत रहेगी उसका जीवन नरक ही बन जाएगा।